गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू इंग्लिश ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो हमारे यहाँ पे हम आज करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं वाक्य, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, देखिए यहाँ पे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये आपको बताते हैं इन्फॉर्मेशन या स्टेट समथिंग। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अशोका वाज अ ग्रेट रूलर, सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन। तो यहाँ पे ये डिक्लेयर है चीज़ें कि सचिन क्या है, गुड बैट्समैन है। सेकेंड योर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। यहाँ पे आपको कोई कमांड दे सकता है, एडवाइस हो सकती है या फिर रिक्वेस्ट। जैसे डोंट टॉक इन दी क्लास, तो ये क्या है, ये कमांड है आपके लिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं, साथ में क्वेश्चन मार्क आता है आपका। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम फिनिश किया, तो ये क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है। उसी तरीके से सेकेंड जो है आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फोर्थ, एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसमें हम कई बार कहते हैं ऊ वाओ, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, जिसमें हम सरप्राइज भी हो सकते हैं। हाउ एग्जैक्टिंग ट्रिप्स वॉज, तो आपका ट्रिप कैसा था, जैसे कि ट्रिप बहुत अच्छा था, तो इसलिए ये यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पिक्चर से जो ऐड किए हैं मैंने, जो आपके लिए क्या है, लेस्ट रीकैप है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है वो आपको क्या है, आपको स्टेटमेंट बताता है। सेकंड है वो कमांड या रिक्वेस्ट के बारे में बताता है। थर्ड है वो आपका क्वेश्चन मार्क है, और फोर्थ है वो आपको बताता है क्या, बताइए, एक्सक्लेमेटरी, यानी कि सरप्राइज या किसी चीज़ के बारे में बताता है। तो ये आपको ये अपनी नोटबुक में करना है, और क्या करना है, इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, तो वो आपको बताना है कि वो किस टाइप में आते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड डू इन योर नोटबुक ऑल वर्क।